वेलकम टू टेस्ट ऑफ इंडिया। आज मकर संक्रांति स्पेशल मसाला खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे। मकर संक्रांति में ऐसी ही गर्मा गर्म खिचड़ी आप भी बनाते होंगे, पर इस बार मेरे कहने पर भोग में या तो प्रसाद में लंगर में मिलने वाली खिचड़ी बनाकर देखें, काफी टेस्टी बनेगी और खाने में आपको मजा आएगा। इस भंडारे वाली खिचड़ी को बनाने के लिए मैंने आधा कटोरी चावल लिया है। ये छोटे दाने वाला चावल है या तो नया चावल ले। साथ में मूंग की दाल आधा कटोरी ही ली है, चाहे तो यहाँ पर अरहर की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उड़द की दाल एक दो चम्मच डाल देंगे तो काफी टेस्टी बनती है। दाल और चावल को अच्छी तरीके से भिगोने के बाद धोना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि खिचड़ी में दाल चावल को भिगोने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर दाल को बिना भिगोए बनाएंगे तो इससे ब्लोटिंग और गैस की समस्या हो सकती है, इसलिए अच्छी तरीके से धोने के बाद 20 मिनट भिगो कर रखें। अब एक प्रेशर कुकर को आंच पर चढ़ाएं और इसमें 4 टेबलस्पून के करीब तेल डाला है मैंने। तेल भंडारे वाली खिचड़ी है इसलिए थोड़ा ज्यादा ही डालें। साबुत जीरा डालकर चटकने दें। फिर कुछ खड़े मसाले डालने हैं, जैसे बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिर्च और 3-4 लौंग डालें। 2 साबुत लाल मिर्च डालें और आधा से 1 मिनट खड़े मसालों को तड़कने दें, जिससे इसका अरोमा खिचड़ी में अच्छा आएगा। अब 150 ग्राम के करीब फूल गोभी को बड़े टुकड़ों में कट करके रखा है मैंने, इसे डालें, जिससे ये घुलेगी नहीं और टेस्ट इसका काफी अच्छा आएगा। इसे तेज आंच पर फ्राई करना है, जिससे कलर हल्का चेंज हो और एक सोंधापन आए। बस 2-3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। 2 चुटकी नमक केवल गोभी के हिसाब से डालें, मिक्स करें। ये फ्राई हो चुकी है, निकाल लें। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और गोभी को बड़े टुकड़ों में ही कट करें। अब सेम कुकर में एक मीडियम साइज के प्याज को ऐसे पतले टुकड़ों में कट करके डाला है मैंने। प्याज को बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, बस इसका कच्चापन निकलने तक पकाएं। इसके बाद इसमें चौकोर टुकड़ों में कट किया हुआ गाजर डालें। कलरफुल भी बनेगा और टेस्टी भी बनती है ये खिचड़ी। इसमें बड़े टुकड़ों में कट किया हुआ बैगन डालें। अगर आपके पास पेठा यानी कि जो बड़ा वाला कद्दू होता है ना, पीला वाला, वो है तो उसे भी डालें, और भी ज्यादा इसका स्वाद बढ़ जाता है। मीडियम फ्लेम पर ही ऐसे बीच बीच में चलाते हुए पकाएं। बड़े टुकड़ों में कट करके टमाटर डाला है मैंने। ये बड़ा टमाटर है, 1 टमाटर लिया है मैंने। टमाटर के बड़े बड़े पीसेस खिचड़ी में दिखेंगे तो अच्छा भी लगेगा और टेस्ट भी अच्छा आता है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर सब्जियों को इस तरीके से 50% पकने तक पका लें। इसके बाद दाल और चावल का पानी निकाल लिया है मैंने, इसे डालें। दाल चावल को कुकर में डालते समय ये ध्यान रखें कि पानी बिल्कुल भी इसके साथ कुकर में ना जाए। देखिए मैं बिल्कुल बचाते हुए डाल रही हूँ। नीचे आधा से 1 चम्मच पानी बचा है तो उसे भी फेंक कर दोबारा से बचे हुए दाल चावल को डाल दे रही हूँ। अब दाल और चावल को सब्जियों के सहित तेज आंच पर 2-3 मिनट फ्राई करें, इससे खुशबू अच्छी आएगी। इस स्टेज पर चावल को ध्यान से देखेंगे तो हल्का इसमें व्हाइटनेस आने लगता है, यानी चावल अच्छे से फ्राई हो गया है खिचड़ी के लिए। यहाँ पर हींग और लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। लहसुन अदरक का पेस्ट चावल डाल के फ्राई करने के बाद ही डालें, जिससे जब खिचड़ी स्टीम लेगी तो इसका अरोमा खिचड़ी में काफी अच्छा लगेगा, जबकि प्याज के साथ ये जल सकता है। 1 मिनट फ्राई करें, इसके बाद ही मटर डालें, इससे मटर का कलर अच्छा रहेगा। हरी मिर्च को हाथ से ऐसे तोड़कर डालें। अब हल्दी पाउडर और पसंद हो तो लाल मिर्च पाउडर डालें। तीखा ना पसंद करते तो अवॉइड कर सकते हैं। धनिया पाउडर डालकर इसे मिक्स करें। यहाँ पर मसालों को 1-1.5 मिनट चावल और सब्जी के साथ फ्राई करें। काफी टेस्टी और अरोमेटिक बनेगी ये खिचड़ी, और खुशबू अभी से बहुत अच्छी आ रही है और कलरफुल तो है ही। जितना चावल था कुल मिलाकर, यानी आधा कटोरी चावल, आधा कटोरी दाल, 1 कटोरी, तो 3 कटोरी के करीब पानी डाला है मैंने गर्म करके। पानी में उबाल आने के बाद ही गोभी के पीसेस डालें, क्योंकि गोभी सबसे पहले गल जाती है। बारीक कटी धनिया पत्ती डालें। अभी तक केवल गोभी में नमक डाला है, तो बाकी सब्जियों और दाल चावल के अकॉर्डिंग नमक डालें।
गरम मसाला पाउडर डालें और अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लें। उबाल आ रही है खिचड़ी में तो बस लिड लगा दें। गोभी को लास्ट में ही डालें, इससे ये घुलेगी नहीं और दिखने में और टेस्ट में बिल्कुल भोग वाली खिचड़ी जैसी तैयार होगी। तेज आंच रखें और 3 विसल आने दें, क्योंकि चावल को भिगोकर बना रहे हैं तो इतने में ये खिचड़ी अच्छे से पक भी जाएगी। पर जब प्रसाद के लिए खिचड़ी तैयार की जाती है तो बड़े पतीले में बनाते हैं और टाइम भी इसमें ज्यादा लगता है। इन सारे टिप्स को अपनाते हुए ही खिचड़ी तैयार करें। विसल्स आ चुकी है तो आंच बंद करें और खुद से स्टीम निकलने के बाद ही कुकर की लिड को ओपन करें। बिल्कुल परफेक्टली रेडी है और कंसिस्टेंसी भी एक्यूरेट है। पर अगर आप पतली खिचड़ी पसंद करते हैं तो थोड़ा गर्म पानी डालकर एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक तड़का और लगेगा जिससे खिचड़ी और भी ज्यादा एरोमेटिक बनेगी। इसके लिए तड़का पैन को गर्म करके देसी घी डालें, साबुत जीरा डालकर चटकने दें, फिर हींग डालें, 2 सूखी लाल मिर्च डालकर आंच बंद करें जिससे लाल मिर्च जले नहीं, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें और मिक्स करने के बाद इस तैयार तड़के को खिचड़ी के ऊपर डाल दें। इससे कलर, स्वाद और खुशबू सब कुछ काफी बढ़ जाते हैं। तो आप भी इस मसालेदार प्रसाद वाली खिचड़ी को जरूर से ट्राई करें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें।